नमस्कार किसान भाइयों, आरजी बीडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये प्योर सोनाली का चेक्स है। अगर इसके डे की बात करी जाए तो इसको आज 12वां दिन हो चुका है। अगर इसके मोर्टिलिटी रेशो की बात करी जाए तो 12वें दिन सिर्फ 2 चेक्स की मोर्टिलिटी हुई है, क्योंकि बच्चा काफ़ी मजबूत था इसलिए सिर्फ 2 चेक्स की मोर्टिलिटी हुई है। स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त है, हेल्थी है और काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ रही है। और मैनेजमेंट के रूप में बात करी जाए तो मैंने इसमें 2 ड्रिंकर के बर्तन लगाए हुए हैं और फीडर की बात करी जाए तो मैंने इसमें 2 फीडर लगाए हुए हैं ताकि बच्चों को आसानी से पानी और आसानी से खाना मिल सके। ये 130 बच्चे थे जिसमें इसकी 2 बच्चे की डेथ हो चुकी है। अभी वर्तमान में ये 128 बच्चे हैं और इनको सप्लीमेंट्री के रूप में बी कॉम्प्लेक्स और बीच बीच में इनको ऑस्टोबेट प्लस विमरॉल भी चला रहा हूँ ताकि बच्चे ग्रोथ तेज़ी से ले। ऑस्टोबेट प्लस विमरॉल का वीडियो भी बना दूंगा मैं, किस प्रकार से इनको दिया जाता है। जब बच्चा रहता है तो वो 1 लीटर पानी में इसको 5 ml चलाया जाता है जिससे कि बच्चा तेज़ी से ग्रोथ ले सके। आप देख सकते हैं कि बच्चा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ ले रहा है और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मजबूत है बच्चा। स्क्रीन पर मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बच्चा अब ऊपर भी चढ़ने लगा है और बच्चा काफ़ी अच्छे से फीडिंग कर रहा है। अगर इसके मैनेजमेंट के रूप में बात करूँ तो 7 दिन में मैंने नीचे का पेपर जो था वो हटा दिया था। 7वें दिन मैंने एफेस्टैंड वैक्सीन करी है। जैसे ही इनको 14 दिन हो जाएगा, 14 दिन होने के बाद हम इसमें गम्बोरो नामक वैक्सीन 14वें दिन करेंगे, उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि जो मेरे नवयुवक किसान भाई हैं जो मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन किस प्रकार से किया जाता है, उनको सारे ये तथ्य मेरे वीडियो के माध्यम से वो सीख सकें कि मुर्गी पालन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन करना पड़ता है, कौन कौन से मेडिसिन हैं, कौन से एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, कौन कौन से मल्टी विटामिन देने पड़ते हैं, ये सारी जानकारी उनको पता चल सके। यदि वैक्सीन की बात करें तो शुरुआत में 7 दिन में एफेस्टैंड, 14 दिन में इसको गम्बोरो और 21 दिन में इसको एफेस्टैंड का फास्टर डोज दिया जाता है। ये दानी खेत के लिए दिया जाता है वैक्सीन जो फर्स्ट रहती है, और जो 21वें दिन रहती है ये रानी खेत की बीमारी के लिए जाता है, और जो गम्बोरो रहती है ये गम्बोर बीमारी के लिए दी जाती है। ये सारी जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से जो मुर्गी पालन का व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं उनको दी जाती है ताकि वो मुर्गी पालन का व्यवसाय आसानी से कर सकें। इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखते रहें जिससे कि आपको अच्छी अच्छी मुर्गी पालन के विषय में जानकारी मिलती रहे। जय हिंद किसान मित्रों।